Assalamu alaikum dear students, welcome to the easy excel tutorials. यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि एक्सेल के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो शेयर करें उन स्टूडेंट्स के साथ या उन प्रैक्टिशनर्स के साथ जो एक्सेल सीखना चाहते हैं अपने रोज़मर्रा काम के लिए, एनालिसिस के लिए या फिर किसी भी चीज़ के कैलकुलेशन के लिए. तो हम कोशिश करेंगे कि इन ट्यूटोरियल्स में इंतहाई बेसिक लेवल से हम चल कर आगे कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाएं. तो जिन स्टूडेंट्स को या जिन व्यूवर्स को पता है थोड़ा बहुत एक्सेल का और वो एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो वो जो आपके क्वेरीज हैं या तो वो आप नीचे कमेंट्स में लिखें या फिर ईमेल करें. हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी आपके क्वेरीज हैं या जो भी आप सीखना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं हम उनका रिप्लाई दे सकें और एक कलेक्टिव ईमेल या फिर रिक्वेस्ट जमा करके हम उसी हिसाब से वीडियोस बना सकें. अच्छा जी, आते हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सेल पे. ये आप देख सकते हैं मैंने एक्सेल की एक फाइल खोली हुई है. सॉरी, मैंने ये चूँकि मैं बता रहा था ये बेसिक वीडियोस हैं, मैंने ये नहीं बताया कि एक्सेल आप कैसे इंस्टॉल करते हैं या कैसे डाउनलोड करते हैं. वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा. लेकिन जब एक मरतबा एक्सेल इंस्टॉल हो जाए और आप उसको खोलते हैं तो वो कुछ इस तरह दिखता है. सबसे पहले आप देखेंगे ये मेन वीडियो मेन स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है. इसमें छोटे छोटे खाने बने हुए हैं. मैं आपके लिए जूम करता हूँ. ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे खाने बने हुए हैं. इनको हम स्मॉल स्क्वेयर्स कहते हैं. इन स्मॉल स्क्वेयर्स का मकसद ये होता है कि आपने अपने जो भी एनालिसिस करने होंगे या फिर जो भी आपने लिखना होगा वो आप इन स्मॉल स्क्वेयर्स में अपने कीबोर्ड की मदद से लिख सकते हैं. जैसे कि अगर मैं असद एक नाम लिखना चाहता हूँ तो मैं किसी भी स्मॉल स्क्वेयर में रख के ASAD लिखता हूँ तो यहाँ पर यह नाम लिखा जाएगा. फिर आप किसी और स्मॉल स्क्वेयर में क्लिक करके असद की इनकम या फिर उसकी एज या फिर जो भी आपका डाटा है वो लिख सकते हैं. सपोज़ असद की एज है 20 साल. तो एक्सेल एक ऐसा फाइल है जहाँ पे आप देख सकते हैं आप अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं आप नंबर्स भी लिख सकते हैं. अब आप एक्सेल को देख सकते हैं, ये स्मॉल स्क्वेयर जो बने हुए हैं ये रोज़ वाइज भी हैं और कॉलम वाइज भी हैं. आप ऊपर से देख सकते हैं ये यहाँ एक्सेल में कॉलम्स हैं, मुख्तलिफ कॉलम्स जो शुरू होते हैं ए से और आगे जाके जी और फिर उससे आगे भी चलते रहते हैं. इसी तरह इसमें मुख्तलिफ रोज़ बने हुए हैं जिनको हम नंबर से ज़ाहिर करते हैं, जो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको समझ आ जाएगी कि इनका इस्तेमाल क्या है. इसके अलावा आप ऊपर देख सकते हैं मुख्तलिफ ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, जैसे ये फाइल ऑप्शन है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, फार्मूलास. ये सब ऐसे ऑप्शंस या फंक्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा एनालिसिस या फिर कैलकुलेशंस के लिए. हम कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी हम इनमें से आपको थोड़ा थोड़ा सिखाते जाएंगे कि इनका इस्तेमाल क्या है और आप अपने डेली कैलकुलेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं. होप यू इन्जॉय द वीडियोज़ और सीखिए इनसे. और अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं या कमेंट्स हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम. आप नीचे पोस्ट करें, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की. शुक्रिया.